हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स, और मैथ्स में हमारा चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन का फोर्थ पार्ट। मैं समझता हूँ कि आप थ्री पार्ट बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। यदि आप प्रॉपर वे में देख रहे हैं वीडियो, तो आपको आगे कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंटिन्यूअस हम आगे आपको उसको पढ़ा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर वीडियो में आपसे करता हूँ, वो है कि पहला काम इंटीग्रेशन पर अच्छा कमांड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंडशः समाकलन जो हमने पीछे पढ़ा था, यू इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको यू इंटू वी से इंटीग्रेशन करना आता है, सिर्फ उसमें लिमिट रखना है। तो मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन बहुत हैं। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिसके एग्जाम में आने के चांस भी बहुत हैं और उनका लेवल भी कुछ अलग है। ये दो चार क्वेश्चन से आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, हर पार्ट में मैं आपको एक एक पैटर्न को लेके, कोई लेंदी वीडियो प्रोवाइड कराने के बजाय, मैं हर पार्ट में आपको एक एक टाइप का बता रहा हूँ। इस तरह की प्रिपरेशन करने से आपके लिए वर्क आसान हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, निश्चित समाकलन बाय पार्ट्स, मतलब निश्चित समाकलन खंडशः समाकलन की सहायता से। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन से हम समझेंगे। आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, और लिमिट है इसका 0 to 1। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखें, साइन इनवर्स एक्स अपने आप में खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है। आपको मैंने तीन पैटर्न का क्वेश्चन बताया था, एक बार याद दिलाता हूँ। साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन, लॉग एक्स वाला क्वेश्चन और सेक क्यूब वाला क्वेश्चन, ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप किसी बोर्ड के भी स्टूडेंट रहें। किसमें? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब उसी को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं, निश्चित समाकलन में, जहाँ पर लिमिट दिया हुआ है 0 to 1। तो आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर हमको सिंगल फंक्शन दिख रहा है और ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लिए एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको ले लेंगे क्या अपन, 1। क्लियर? तो 1 इंटू साइन वर्स एक्स डी एक्स, ये है, कास का भी है, साइन का भी है। एक क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपसे बन जाएगा सब। ठीक है, तो 1 हो जाएगा ये। अब देखो, आप फंक्शन कैसे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर हमको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, पता होता तो यहीं पर एक लाइन में लिख देते। तो ये साइन इनवर्स एक्स को हमको सपोज करना है क्या, यू, और इसको सपोज करना है वी। और यहाँ पर लिमिट को कैसे पुट करना है, ये थोड़ा सा केयर करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो अपन इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, यू इंटू वी का। तो देखो, ये पहले पार्ट के लिए ये ऐसा ब्रैकेट लगा लोगे आप, 0 to 1 इसका लिमिट है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, 1 का, 1 dx, और लिमिट को आप यहाँ पर लिख दो 0 to 1। ये ध्यान रखना, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, उसका लिमिट हम वहाँ पर रख दिए। माइनस, ब्रैकेट लगा लो पहले से, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स 1 डी एक्स, और इसका होल इंटीग्रेशन। ये वाला ब्रैकेट ना लगा के इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसका होल इंटीग्रेशन करना है अपने को। ठीक है, हो गया, यहाँ पर होल इंटीग्रेशन तो हो गया, और ये लिमिट यहाँ रख दो 0 to 1। ओके, डी बाई डी एस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका होल इंटीग्रेशन। यहीं पर ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ मैं ऐसा डी एक्स, ये ध्यान रखना, एक बार डी एस लिखना जरूरी होगा। तो फार्मूला को सबसे पहले अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका होल इंटीग्रेशन।
दैट इक्वल, इंटीग्रेशन करिए इसका, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स, उसको मैंने यहाँ सामने लिख दिया, क्योंकि एक्स एक्स अगल बगल होने से क्या होता है, थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, तो ढंग से लिख देता हूँ मैं। ये लिखने के तरीके को ध्यान रखना, इसका एक्स आने के बाद उसको सामने लिखो, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर फिर इंटू एक्स लिखने से कई बार धोखा होता है, एक्स इंटू एक्स का धोखा होता है, इसलिए हमने उसको सामने लिखा, लिखने का तरीका ही है ये। ये हो गया माइनस, अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन, साइन वर्सेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स एक्स, और इसका होल इंटीग्रेशन होगा डी एक्स, तो ये डी एक्स, और लिमिट जीरो टू वन। अब यहाँ पर आप पहुँच के देखो कि ये वाला जो पोर्शन होगा, अब आप समझ रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो सब्सटीट्यूशन से बनेगा, क्योंकि जब तक हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी सपोज करेंगे ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर या तो लिखने बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप उसको ऐसा लेंदी लिखते चले जाओ, या दूसरा तरीका ये है कि इसको आप सपोज कर लो आई वन और इस रिलेशन को दे दो फर्स्ट, और अलग से इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पर पुट अप कर दो। लिखने के कई तरीके हैं इंटीग्रेशन में, या चाहो तो इस काम को कंटिन्यूअस करते रहो। तो मेरे हिसाब से इसको आई वन लिखना ज़्यादा बेटर है, उसके लिए हमारा काम भी आसान हो जाता है और चेक करने वाले को भी काफ़ी प्रॉपर समझ में आता है कि हमने उसको अलग अलग इंटीग्रेशन करके दिखाया है। तो इसको ये रिलेशन फर्स्ट दे दो, यहाँ तो लिमिट पुट करना बस बाकी है, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट दे देते हैं और आई वन का इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं। ओके, तो ये आई वन ले लिया, आई वन इक्वल, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, सब्स्टिट्यूशन आई वन का एक बार लिख दूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो लिमिट है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीरो टू वन डी एक्स। नाउ पुट, अब यहाँ पर आप पुट को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि आप पीछे जितना पढ़े हैं सबका इसमें यूज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाएगा, यू इंटू वी का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयर फॉर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू, ये हमने एक्स डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर लिमिट को हम चेंज करेंगे क्योंकि सब्सिट्यूशन कर दिया, तो पीछे हमने पढ़ा है इफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पर देखो x इक्वल टू जीरो हम पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू जीरो पुट करने से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, देन t इक्वल टू वन, एंड इफ x इक्वल टू वन, x का वैल्यू वन पुट करें, देन t इक्वल टू, यहाँ पर हम x का वैल्यू वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये तो वन टू जीरो, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू को हम पुट अप करते हैं, तो देयर फॉर आई वन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन इसका हो रहा है तो इंटीग्रेशन का हम साइन लगा दिए, और जीरो पे वन है तो ये वन लिख लिया, और ये जीरो हो जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है माइनस डी डी बाई टू है, तो माइनस यहाँ पर लिख दिया, और डी टी वन अपॉन टू, ये बाहर लिख दिया कॉन्स्टेंट को, और अपॉन ये वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, टी है। वैसे इसको टी स्क्वायर सपोज करना ज़्यादा बेटर था, लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी स्क्वायर सपोज कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है वो, क्योंकि रूट से सीधा बाहर चला आता है वो, ठीक है, अब कर दिया तो ऐसे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा टी मतलब रूट ऑफ टी, टी का पावर वन बाई टू, अब क्या है उसको ऊपर ले जाके माइनस करके इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसे, आप ध्यान रखना कभी भी ऐसा भी कर सकते हो। आई वन का एक बार और लिखता हूँ मैं ना नेक्स्ट पेज में, आई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन ऑफ वन टू जीरो, ये टी टू दी पावर ऊपर जाके माइनस वन बाई टू डी टी, दैट इक्वल। आगे चल के हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैं यहीं अप्लाई कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टी ये है कि जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर कर देते हैं तो ये माइनस बाहर आता है, माइनस के साथ प्लस हो जाता है। आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका, क्योंकि हमेशा छोटा वाला जो वैल्यू है नीचे होना चाहिए, तो जीरो कम है उसको नीचे होना चाहिए, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा
0 to 1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, इसको लेंदी करने का मतलब नहीं है, चलो छोड़ो, वो करना था तो पीछे, वो जरूरी नहीं होता ना प्रॉपर्टी की, उसका ना ध्यान रखना, माइनस होना पॉइंट टू रहने दो इसको। ये हो गया, लिमिट को रख दिया मैं 0 to 1 to 0 टी टू द पावर माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, टी टू माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब टी टू द पावर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2, और अपान ये भी हो जाएगा 1/2, दैट इक्वल टू माइनस 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी टू द पावर 1/2 अपर लिमिट रखें पहले, तो टी टू द पावर सॉरी 0 to the power लिमिट पुट करके रख रहा हूँ, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का पावर कुछ भी हो ये क्या होगा, 1 होगा, 1 का पावर हाफ 1, दैट इक्वल ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और माइनस इंटू माइनस प्लस, कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब हम चले आएंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने वहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो आई इक्वल टू, देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, चाहे तो हम लिमिट को यहाँ से भी पुट करके लिमिट को ये वाले पोर्शन का लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको लिमिट को पुट अप करके, तो वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में अपने को सहूलियत होगा। अपर लिमिट 1, ये हो गया 1 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई टू हो गया, ये लिमिट को पुट अप कर रहा हूँ, और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ये तो हो गया 0, और ये माइनस आई वन, इसको हमने आई वन लिया है, और इसको दे देना रिलेशन नंबर फर्स्ट, रिलेशन फर्स्ट इसको ना देके रिलेशन फर्स्ट इसको दे देना, इसको हमने आई वन सपोज किया है। अब रिलेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर क्या आया है, पाई बाई टू, और वहाँ पर आया है माइनस 1, देयरफॉर आई इक्वल टू, पहला वैल्यू क्या आया है, पाई बाई टू और माइनस इसका वैल्यू आया है 1, तो पाई बाई टू माइनस 1 इज इट्स फाइनल आंसर, ये होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज मैंने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्शन किया है क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाना है, क्वेश्चन तो बहुत हैं, गिनती के नहीं है, लेकिन मैं 3-4 क्वेश्चन से ही चाहता हूँ कि पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ, और हो सके तो उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल आता है पाई बाई टू माइनस 1, ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप समझ गए, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये सिंगल फंक्शन था, तो सिंगल फंक्शन में हमने क्या किया, इन टू वन क्रिएट किया, जहाँ से हम पहले के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइन वर्स एक्स भी आ सकता है आपके एग्जाम में, साइन वर्स एक्स खुद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स वाले पोर्शन को हमको क्या रखना है, यू, ये इंटीग्रेशन किया, दो पार्ट में हो गया। अब यहाँ पर चूंकि सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो यहाँ लिमिट पुट कर दिया, सेकंड पार्ट को हमने आई वन सपोज कर लिया, और उस पार्ट का हमने अलग से इंटीग्रेशन किया। तो कभी भी इंटीग्रेशन आपका लेंदी हो तो आप हमेशा क्या करना, उसको दो पार्ट में सपोज कर लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और अच्छा क्वेश्चन मैं एक लेके आता हूँ आपके लिए, देखो सब एनसीईआरटी के कलेक्शन और हमेशा आए हैं क्वेश्चन, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स ई टू द पावर एक्स, 0 to 1 एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 डीएक्स, ये है हमारा क्वेश्चन, एक बार टेली कर लूँ, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 डीएक्स लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट ही लें, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, दैट इक्वल, अलग अलग कर लेता हूँ इसको, 0 to 1 एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 डी एक्स, ये होगा। अब यहाँ पर ये दो पार्ट में है, इसको आई वन आई टू करके आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है,
I1 I2 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको अलग निकालो, भले ही दो लाइन आप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा लेकिन एकदम से क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल हमने सपोज कर लिया इसको I1 और प्लस इसको सपोज कर लिया I2, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, सपोज ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है। अब बारी बारी से कर लो, ठीक है। चूंकि I1 इक्वल टू ये 0 to 1 x इंटू e to the power x dx, ऐसा करने से काम खुद को भी आसान लगता है और एक साथ लिखते रहो तो कई बार मिस्टेक होने का चांस रहता है। बाकी आपका आपकी मर्जी है, चाहो तो इसको आप कंटिन्यूअस वर्क करके लिख सकते हो दोनों को करते हुए, बस ये एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए भी ईजी वर्क होता है। क्योंकि देखो ये क्या है, हम थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं कर रहे हैं। अभी IIT के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो और बहुत तरीके हैं कि हम वहीं पर दो लाइन में इंटीग्रेशन करके उसको दिखा देंगे, लेकिन चूंकि हम बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको जहां तक हो सके एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर होना चाहिए, चेक करने वाले को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में मार्क्स पाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो चेक करने वाले टीचर हैं उनको अपना दिमाग मत लगाने पड़ा कि क्या क्या, सब चीज़ एकदम क्लियर हो तो फटाफट आपकी फुल स्कोरिंग होती है। अदरवाइज यदि उनको लगा कैसे किया है कि क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय आधा एक नंबर काटे और निकल गए आगे या घेर दिया उसको। इसलिए हर चीज़ को क्लियर रखो मैथमेटिक्स में, हर स्टेप क्लियर हो तभी ठीक है बोर्ड एग्जाम में ना। तो अब यहाँ पर हम इसको u इंटू v से इंटीग्रेशन करेंगे। देखो तो आपको पता है कि इसको हम ले लेते हैं u, इसको ले लेते हैं v, ये ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे किया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान देना, जितना भी इंटीग्रेशन अभी आप कर रहे हो मेरा चैलेंज है वो पूरा क्वेश्चन आप पीछे से मिला लो, वर्ड टू वर्ड वही मिलेगा, उसमें नया चीज़ सिर्फ लिमिट लगा है। आपको x इंटू e2x आप पीछे देखो मिलेगा, आप अपने बुक में सर्च कर लो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस उसमें लिमिट नहीं था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी आप नया नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसी इंटीग्रेशन में लिमिट को पुट अप कर रहे हो। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंटीग्रेशन मुझसे होगा, लिमिट रख, बस सावधानी रखना है लिमिट रखने में। चलिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा दैट इक्वल ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना कभी, फार्मूला एक बार लिखना ही है। जैसे e2x का इंटीग्रेशन तो e2x होता है तो वही लिख दिए, इतना शार्ट नहीं करना है। कहीं पर भी आप यदि किसी फार्मूला को अप्लाई कर रहे हो तो एक बार वहाँ फार्मूला में पुट अप करके दिखाना ही है। ये हो गया माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx, इसके पूरा का इंटीग्रेशन, और लिमिट को कंबाइन हम लिख सकते हैं 0 to 1। लिखने के दो तरीके हैं, चाहो तो इंटीग्रेशन के साथ ही यहाँ पर लिखते जाओ और अदरवाइज लास्ट में ब्रैकेट लगा के लिख दो और पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट को रख दो। लिखने के कई तरीके हैं, कई राइटर्स ऐसा लिखते हैं यहाँ भी लिमिट लगा दिया, यहाँ भी लिमिट लगा दिया, यहाँ भी लिमिट लगा दिया, तो ऐसा बार बार लिखने के बजाय उसको ब्रैकेट लगाओ और लास्ट में लगा दो। जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे। लिखने के बहुत तरीके हैं मैथमेटिक्स में, दैट इक्वल अब इस इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स e2x का इंटीग्रेशन e2x माइनस d/dx ऑफ x, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और e2x का इंटीग्रेशन e2x होगा, e2x का फिर इंटीग्रेशन होगा तो e2x होगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो e2x, और ये है 0 to 1 दैट इक्वल। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट अप कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन 1 into e2 माइनस e2। ये हमने लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट, इसको यहाँ रखूँगा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मैं रखूँगा e2 0, इसको धोखे से 0 नहीं कर डालना, e2 0 1 आने वाला है। सबसे ज़्यादा केयर करना है हमको लिमिट पुट अप करते समय, लिमिट पुट अप करते समय आपको कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दैट इक्वल e2 1 माने ई, ये हो गया ई, और e2 1 माने ये भी ई हो गया, तो दोनों ई और ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, अपर लिमिट माइनस, ठीक ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा e2 0, दैट मीन्स वो भी क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया 1, रिलेशन नंबर सपोज सेकंड। ये हमने अपने फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया जिसको हमने I1 सपोज किया है, ये I1 का निकाल लिया। अब अगेन I2 का निकालते हैं, I2 इक्वल टू हमने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन पाई एक्स बाई फोर डी एक्स, और ये है 0 to 1।
दैट इक्वल। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन के फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कास होता है, ये मैंने माइनस को बाहर लिख दिया, माइनस बाहर लिख दिया, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कास, ये हो जाएगा कास पाई एक्स बाई फोर और अपान लिमिट जीरो टू वन ही है ना, एक बार क्वेश्चन टेली कर लूँ मैं, जीरो टू वन, हाँ जीरो टू वन ही है। अब इसका पाई एक्स बाई फोर का डिवाइड होगा इंटीग्रेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई फोर, नीचे में पाई बाई फोर हो जाएगा और ये हो गया जीरो टू वन, दैट इक्वल इसके वैल्यू कहीं पर पुट अप करें तो माइनस पाई बाई फोर है, उलट के हो जाएगा ये फोर बाई पाई और ये हो गया कास पाई एक्स बाई फोर लिमिट जीरो टू वन। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ इसको मैं माइनस पाई बाई फोर, देयरफोर आई टू इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, एक बार रिपीट करता हूँ इसको, क्या है कास पाई एक्स बाई फोर और लिमिट क्या है भाई जीरो टू वन, जीरो टू वन दैट इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। अब लिमिट पुट करो यहाँ पर अपर लिमिट, तो हो जाएगा कास, यहाँ पर हम रखेंगे वन, तो कास पाई बाई फोर और माइनस यहाँ पर रखेंगे कास जीरो, तो हो जाएगा कास ये जीरो कंप्लीट, ये कास जीरो हो गया, दैट इक्वल माइनस पाई बाई फोर, कास पाई बाई फोर का वैल्यू वन अपॉन रूट टू और माइनस कास जीरो वन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस पाई बाई फोर लिमिट आ जाएगा, ये सॉरी एलसीएम आ जाएगा रूट टू, ये हो गया वन माइनस रूट टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो दैट इक्वल माइनस पाई बाई फोर, रूट टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट टू का डिवाइड कर रहा हूँ, तो रूट टू मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा रूट टू माइनस टू और अपान ही हो जाएगा टू, रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू का डिवाइड कर दिए, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई एट अंडर ब्रैकेट रूट टू माइनस टू, दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या किया है, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो आई इक्वल आई वन का वैल्यू क्या निकाला, यहाँ से देखो आई वन, ये हमारा I1 का वैल्यू है, I1 हमने सपोज किया था क्या है 1, तो I1 का वैल्यू हमने पुट अप कर दिया 1 और इसका वैल्यू माइनस पाई बाई एट अंडर ब्रैकेट रूट टू माइनस टू, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लें आंसर क्या आता है, सब NCERT के क्वेश्चन हैं, 1 माइनस टू रूट टू पाई, टू रूट टू बाई पाई प्लस पाई बाई फोर, टू बाई पाई, वन माइनस टू बाई पाई, कहीं पर पाई का वैल्यू को मैं मिस्टेक कर दिया क्या लिख रखने में, माइनस पाई बाई फोर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, अरे माइनस फोर बाई पाई है, ये उलट चुका है, यहाँ पर पाई बाई फोर था वो फोर फोर बाई पाई, मैं ये सब पाई बाई फोर के धोखे में वही वही लिखते चला गया, नेक्स्ट पेज में देखने से ध्यान भी नहीं जाता, बगल में लिखना ठीक रहता है, तो फोर बाई पाई है, तभी सोच रहा हूँ ये फोर बाई पाई है, फोर बाई पाई क्या है, पेज चेंज करने से ऐसा हो जाता है, फोर बाई पाई, पूरा फोर बाई पाई, फोर अपान पाई हो गया, ये फोर अपान पाई हो गया, फोर अपान पाई और रूट टू, रूट टू यहाँ तक तो वहीं रहेगा फोर अपान पाई, अब रूट टू टू के रूट टू का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो टू आएगा, तो यहाँ पर फोर बाई पाई पूरा चेंज हो गया, इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज, अब टू इससे कैंसिल हो जाएगा, टू इससे कैंसिल हो जाएगा तो टू बाई पाई, टू बाई पाई माइनस टू बाई पाई और रूट टू माइनस टू दैट इक्वल
एनसीईआरटी में आंसर ऐसा दिया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो माइनस टू रूट टू अपॉन पाई और माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर बाई पाई। ठीक उल्टा लिख दिया था मैं, वन माइनस क्या आंसर आया है, वन माइनस टू रूट टू बाई पाई प्लस फोर बाई पाई। ये मैंने क्या हुआ आप समझ गए होंगे, इस पेज में था, दिमाग में बैठा हुआ है क्या, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, तो ये वाला जो वैल्यू था उसको मैं पाई बाई फोर लिख दिया, इसलिए ऐसा मिस्टेक हुआ था। इसीलिए मैं स्लाइड करके पढ़ाता हूँ यहाँ पर पेज को, लेकिन उससे होता क्या है ये वाला पार्ट छुप जाता थोड़ा सा, मैं कई बार महसूस किया कि स्टूडेंट को हो सकता है परेशानी हो, इसलिए मैं उसको पेज चेंज कर रहा हूँ। खैर इतना आप समझ सकते हैं ओके। तो ये इसका फाइनल आंसर है, वन माइनस टू रूट टू अपॉन पाई प्लस फोर बाई पाई, क्लियर। तो ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इजी इजी क्वेश्चन लेके टाइम वेस्ट करूँ उसका मतलब नहीं, इजी क्वेश्चन आप करो। देखो हमेशा मेरे मैथमेटिक्स के वीडियो देखते समय एक बात ध्यान रखना, क्यों आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इतने हैं, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप पूरा वर्क टीचर से आप करा लो तो फिर कोई मतलब नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कमांड का एक ही फंडा है, वो है आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी। टीचर से आप सिर्फ मेथड समझो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रोसेस को कैसे कैसे करते हैं कहाँ, इन चीज़ों को सीखने के बाद आपको पूरा करो। तो इजी क्वेश्चन आप करना, ऐसा नहीं कि मेरे क्वेश्चन बस में डिपेंड हो गए आप, तो इजी क्वेश्चन आपको करना है, मैं सेलेक्टेड डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे भी आप इंटीग्रेशन के अब बहुत एडवांस पार्ट में पहुँच चुके हो तो बहुत ईजी क्वेश्चन पर आप खुद भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कई कई बोर्ड में कई कई बार रिपीट हुए हैं ना। ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, 0 to 1 साइन इनवर्स आई इक्वल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग मैथमेटिक्स का मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग को कई लोग का कमेंट्स आता है, मैं पढ़ता हूँ जनरली आप लोग के कमेंट्स में रीड करता हूँ, भले ही टाइम प्रॉब्लम के कारण रिप्लाई नहीं कर पाता, फिर तो आप लोग का जो कमेंट्स होता है उससे मैं सीखता भी हूँ, समझता भी हूँ कि भाई आपके क्या ओपिनियन। तो कई लोगों ने कमेंट्स किया कि मेरे इंटीग्रेशन के वीडियो देखने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट दिया स्कूल में, हाफ ईयरली या जो भी टेस्ट आपने दिया उसमें सर वही क्वेश्चन आया था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरली वो आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। उसका रीज़न है एक तो मुझे बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और दूसरी बात यह है कि मुझे पूरा पता है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में कि एक ही क्वेश्चन पर बहुत से कॉन्सेप्ट यूज़ हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे वहाँ सब्स्टिट्यूशन भी हो जा रहा है, वहाँ पर यू इंटू वी का भी यूज़ हो जा रहा है, मतलब इंटीग्रेशन के बहुत से कॉन्सेप्ट यदि एक ही क्वेश्चन पर अप्लाई हो जा रहे हों तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर एक क्वेश्चन से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट को उसने पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को इतना लंबा एक्सपीरियंस है हमको गेस हो जाता है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सब क्वेश्चन को तैयार करिए जो मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप मेरे वीडियो में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखते हो उसको आपको 100% करना ही है, वो आपके लिए वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसके बाद आपको एडिशनल करना एक्स्ट्रा है, पहली प्रायोरिटी यही है कि हर क्वेश्चन को आपको तैयार करना है ओके। तो एक इसी तरह का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नेचुरली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पर इस फंक्शन को आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको पूरा एक चार्ट दिया था, PDF दिया था, तो यहाँ पर हम इसको देख के समझ जाते हैं कि x इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर पुट करना है x इक्वल टू टेन थीटा। नाउ पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देयर फॉर dx इक्वल टू, ठीक है, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta ही का फार्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री में, tan 2 theta का, tan theta का फार्मूला में आता है, cot में भी आता है, tan इजी है, sin बन जाएगा, sin inverse sin 2 theta, ठीक यही सही है, यही सही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या है ऑप्शन भी है, आपने देखा होगा चार्ट में कि टेन थीटा पुट कर तो भी बन जाएगा, काट थीटा पुट कर तो भी बन जाएगा, तो दोनों में बन जाता है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा
और इसका जब हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देन यहाँ पर हम x इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो tan जीरो जीरो होता है, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, एंड f x इक्वल टू वन, देन थीटा इक्वल टू x इक्वल टू वन पुट करो तो थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर में वन होता है, तो ये हमारे लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। देयरफॉर क्वेश्चन अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हो गया जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करो। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को यहाँ पर यही केयर करना है, मैं सोच रहा था कि कौन सा फार्मूला आएगा, तो यह आएगा टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको एडवांस में वॉच कर लेना है कि मैं क्या रखूँगा तो ट्रिग्नोमेट्री का वो कौन सा फार्मूला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो डी एक्स का वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किसका फार्मूला है। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर, और ये फार्मूला है किसका, साइन टू थीटा का, ये साइन टू थीटा का फार्मूला है, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स है बाहर में, ये इन्वर्स लगाना भूल गया, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन टू थीटा, ये कॉम्बिनेशन जरूरी है तभी साइन साइन यहाँ से कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इक्वल, आगे इसको सॉल्व करें तो साइन साइन कैंसिल तो टू टू थीटा होगा, टू को मैंने बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर, और यहाँ से बच जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, ये देखो ये है इस फॉर्म में आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये पीछे का फॉर्म है, ये पीछे का फॉर्म है थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप एक चीज़ वाच कर रहे होगे कि मैं वही फंक्शन का इंटीग्रेशन को लेकर करा रहा हूँ जो पीछे इंपॉर्टेंट था, जैसे साइन इन्वर्स इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, सेक वाला सेक क्यूब सेक थीटा ये इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर इसको हमको यू इंटू वी से करना है, यू इंटू वी से अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम यू सपोज कर लेंगे, इसको वी सपोज कर लेंगे, दैट इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन का ये हम ब्रैकेट लगा दिए, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, क्लियर, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इसका होल इंटीग्रेशन, और लिमिट को हम यहाँ पर रख देंगे जीरो टू पाई बाई फोर। ओके, ये हमने वैल्यू को पुट अप कर दिया, दैट इक्वल, अब देखो ये टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का वन हो गया, ये तो वन, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, और ये डी डी थीटा, यहाँ पर लिमिट लगा दी अपन क्या, जीरो टू पाई बाई फोर, फिर इंटीग्रेशन कर दें अपन यहाँ पर, टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, यहाँ पर देखो टेन थीटा का इंटीग्रेशन, तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस थीटा, ठीक है, लॉग कॉस थीटा जीरो टू पाई बाई फोर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या आंसर क्या है इसका, बहुत लेंदी आंसर आएगा। जीरो टू पाई बाई फोर पर ही है ना, सेक स्क्वायर थीटा, एक बार इंटीग्रेशन चेक करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस डिवाइडी थीटा, इसका वन हो गया, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा टेन थीटा, ये लाग सेक थीटा, माइनस प्लस में लिखोगे तो लाग सेक थीटा होता है, लेकिन कास सेक में भी बनेगा, इधर टेन है तो सेक भी कर सकते हैं, और यदि ये कास में लिखें तो माइनस होता है, ये फार्मूला को ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था, ये प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि टेन का माइनस लाग कास होता है, यदि उसको प्लस में आपको लिखना है तो सेक में होता है, वो दो फार्मूले हैं उसके, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा का दो फार्मूला है, माइनस लाग कास थीटा या
प्लस लाख सेक थीटा। तो सेक में भी बना सकते हो, कास में भी बना सकते हो। मैंने कास लिखा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बस। अब इतना हमको लिमिट को पुट अप करना है, ठीक है। तो टू थीटा टेन थीटा टू थीटा इंटू टेन थीटा प्लस क्या है लाग कास थीटा, और लिमिट क्या था, जीरो टू पाई बाई फोर ना, जीरो टू पाई बाई फोर। फिर पीछे पेज का देखने वाला चक्कर मिस्टेक हो जाता है, जीरो टू पाई बाई फोर। अब लिखो लिमिट दैट इक्वल टू टू, अब अपर लिमिट रखो पाई बाई फोर, ये हो गया पाई बाई फोर, यहाँ पर भी टेन पाई बाई फोर प्लस लाग कास पाई बाई फोर माइनस, यहाँ पर देखो माइनस जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इस जीरो के कारण, और यहाँ पर अपन रखेंगे तो माइनस लाग कास जीरो, माइनस लाग कास जीरो दैट इक्वल टू पाई बाई फोर, ये तो हो जाएगा इंटू वन, और प्लस लाग कास पाई बाई फोर 45 डिग्री मतलब वन अपॉन रूट टू माइनस जीरो जीरो, और लाग कास जीरो वन होता है और लाग वन जीरो होता है, तो पूरा वो जीरो हो गया। क्या आंसर आया देखिए, फाइनल आंसर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या, पाई बाई टू प्लस, अच्छा है तो आई टू का वैल्यू होगा ना, आई वन आई टू सपोज किए थे क्या अपन, एक मिनट, यहाँ तो आई वन आई टू सपोज नहीं किए थे ना अपन, बिना आई वन आई टू सपोज किए हो गया ये, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आंसर आता है पाई बाई टू माइनस लाग टू, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं आंसर को। एनसीईआरटी में आंसर का जो फॉर्म है वो अलग दिया हुआ है, जरूरी नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो सकता है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता तो अलग बात है, गलत नहीं है हमारा कहीं पर। यदि आंसर निकालने की बात करें तो ऐसा निकालना है, लेकिन यदि प्रूफ करने की बात करें, प्रूफ दैट करके, तो जो लाना है वही लाना है। लेकिन इसको एनसीईआरटी में और सिंप्लीफाई किया है, मैं भी कर देता हूँ, देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ वो एनसीईआरटी की बुक में आंसर अलग दिया है, मेरा दूसरा आया है, तो मुझे देख के लगा कि आंसर दूसरा आ गया क्या, ऐसा नहीं है, ये फाइनल आंसर है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि आंसर लाना है तो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जब हमको प्रूफ करना होता है, यहाँ पर स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है कि सर यहाँ तक आंसर लिख दिया तो गलत है कि सही है, पूरा मार्क्स मिलेगा कि नहीं। मेरे जैसा टीचर यदि चेक कर रहा हो यहाँ पर मैं पूरे मार्क्स दूंगा, लेकिन कई बार टीचर्स क्या है केवल फाइनल आंसर को लिख के रखे रहते हैं, तो वो नहीं आया मतलब नंबर काट दिया। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की बात अलग है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में जो चीज़ आपको प्रूफ करना है वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब इसको और क्या सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन आंसर दूसरे फॉर्म में आया है। यहाँ पर एक आप नई बात सीखोगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आगे जो मैं बताने वाला हूँ। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था आंसर कैसे नहीं आया, जबकि हमारा सब सही है। अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई टू, और प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा टू लाग वन अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा क्लियर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो लाग एम अपॉन एन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लाग एम अपॉन एन से, ज़रूरत क्या है उसकी, दैट इक्वल पाई बाई टू, ये एम है और ये एन है, तो ये हो गया प्लस टू लाग एम माइनस लाग एन, तो हो जाएगा लाग वन माइनस लाग रूट टू। देखो क्या किया जा रहा है उसको, और कठिन किया जा रहा है मेरे हिसाब से तो, पाई बाई टू प्लस, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो लाग वन क्या होता है जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, एक बार और लिख देता हूं, जीरो माइनस लाग रूट टू दैट इक्वल पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस टू को अंदर मल्टीप्लाई, जीरो हो गया,
तो सॉरी माइनस हो जाएगा ये, सामने माइनस है तो हो गया माइनस टू लॉग रूट टू। अब यहाँ पर भी नहीं दिया है आंसर को, अब टू को उसका पावर बनाओ, पाई बाई टू माइनस लॉग टू के फॉर्म में, देखो क्या क्या हो रहा है, इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू। अब यहाँ पर ध्यान देना, रूट टू मतलब टू का पावर, यहीं लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। इसका पावर ये रूट है उसको वन बाई टू। अब लॉग एम टू द पावर एन से वन बाई टू सामने आएगा, तो ये हो गया वन अपॉइंट टू और ये हो गया लॉग टू, दैट इक्वल। अब आगे इसको हम सॉल्व करें, बहुत मुश्किल से निकला हुआ आंसर है, हाईलाइट कर देता हूँ। टू टू कैंसल आउट होगा और ये मिल जाएगा पाई बाई टू, ये वाला पाई बाई टू और माइनस लॉग टू, ये आंसर दिया है एनसीईआरटी ने। लेकिन यदि इसको प्रूफ करने वाला होता तो ये क्वेश्चन वैसे कभी आएगा तो प्रूफ करने के लिए आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, प्रूफ दैट दिस इक्वल पाई बाई टू माइनस लॉग टू, ये फाइनल आंसर है। तो देखो ये हमारा आंसर आया था यहाँ पर और बुक में दिया है ये वाला आंसर, तो इसको उसको देखने से ऐसा लगता है कि कोई मैचिंग नहीं है, कहाँ ये पोर्शन कहाँ वो पोर्शन, लेकिन इसको लॉग को सिंप्लीफाई किया गया है, लॉग को ऐसा सिंप्लीफाई करते जाओगे जैसे मैंने किया है तो फाइनली पाई बाई टू माइनस लॉग टू निकलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि इसको इसी को प्रूफ करने के लिए बोल दें पाई बाई टू, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से, कहा ध्यान आ रहा है ऐसा पूछा है, ये पूछ दे पाई बाई टू माइनस लॉग टू, ऐसा यदि आपको प्रूफ करने के लिए दे दे तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और ई वैल्यूड बोले, मान ज्ञात करो बोले, तो मैं लिखा वहाँ पर आंसर लिख सकता हूँ, वो टीचर के चेक करने वाले के मूड पर डिपेंड करता है, कई लोग नंबर काट देते हैं कई लोग दे देते हैं, वो मैथमेटिक्स में तो बहुत कॉमन बात है, वो दो चार पाँच दस नंबर तो टीचर की टेंडेंसी पर डिपेंड करता ही है कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, कॉम्पिटिटिव में प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएगा निश्चित रूप से, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चन आप और करना, इसके बाद मैं एक आध दो पैटर्न और आपको बताऊँगा इसका। इसके बाद हमको जो मैं रोज़ याद दिलाता हूँ आपको, वो है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, वहाँ आपको खूब मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतना लेंदी वर्क नहीं करना पड़ता, हमको 7-8 प्रॉपर्टी ध्यान में रखना पड़ता है और प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक दो टॉपिक के बाद हम वहाँ एंट्री करेंगे, तब तक आप इसके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और लास्ट में जाते जाते एक बात और, इंटीग्रेशन का रिविजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।